बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 इंग्लिश ग्रेड 6 सेकंड टर्म का ये वर्जन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। ये सेकंड टर्म का वर्जन नंबर 1 है इंग्लिश का, और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव होगी 10 एमसीक्यूज होंगे और 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी। हर एमसीक्यूज का 1.5 नंबर आपको दिया जाएगा। सब्जेक्टिव के अंदर 35 मार्क्स का पेपर होगा और टोटल 50 नंबर का पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिया जाएगा इसे सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव देखें तो पहला एमसीक्यूज का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, सेकंड का जो ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। टाइम कम है इसलिए हम जस्ट आपको आंसर बताते जाएंगे, इसको बकायदा डिटेल के साथ हम रीड नहीं करेंगे। थर्ड का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। फोर का ऑप्शन नंबर डी द एप्पल इज अ स्वीट एज कैंडी इसका दुरुस्त जवाब है। फाइव का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास एक पैराग्राफ है और अगले एमसीक्यूज पैराग्राफ के मुताबिक आपने करने हैं। सिक्स वाले का ऑप्शन नंबर ए आई एम कमिंग इसका दुरुस्त जवाब है। और सेवन वाले का ऑप्शन नंबर डी इन द इल्म्स इसका दुरुस्त जवाब है। एट का ऑप्शन नंबर बी और नाइन का भी ऑप्शन नंबर बी ही दुरुस्त जवाब है। ऐसे जो टेन है उसका भी ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट है तो सब्जेक्टिव पार्ट को हम देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर थिंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ऑफ अ कंप्यूटर। आपने एक लेटर लिखना है, उसके अंदर ग्रामर पंक्चुएशन स्पेलिंग का आपने ध्यान रखना है। तो लेटर यहाँ पे ये मेरा मौजूद है, एग्जाम्पल जिनके एग्जामिनेशन हॉल से स्टार्ट होगा और ये एक्स वाई जेड तक कम्प्लीट हो रहा है। ये लेटर जस्ट आप लोगों ने लिखना है, इसकी स्क्रीन शॉट ले लें तो आप लोगों ने इसे तैयार करना, चाहे ये वाला तैयार करें, चाहे आपने अगर कोई बुक से कोई याद किया हुआ है तो आप वो वाला भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहा जा रहा है रीड राइट द पैराग्राफ आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा जैसे कि दिया हुआ है, बुक रीडिंग इज अ गुड हॉबी। ये पैराग्राफ आपको दे दिया गया, आपने से इसके अंदर जो गलती है आपने वो ठीक करके पंक्चुएशन ग्रामर स्पेलिंग को मद्देनजर रखते हुए आपने इसे दोबारा लिखना है तो आपको इसको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो आंसर ये मेरे पास सामने है, ये दो लाइनों का पैराग्राफ था, इसके अंदर एक नॉलेज की गलती थी, एक वोकैबुलरी की गलती थी, एक था पीपल और फिर आर, साथ में यहाँ पे डॉट आ जाना था और राइट जोन सा वो कैपिटल आना था। नेक्स्ट उर्दू का इंग्लिश ये आपने और इज ये जो 6-7 लफ्ज है ये आप लोगों ने ठीक करने थे, ये दो लाइनें आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है लिसन स्पीकिंग एंड रीडिंग की क्वेश्चन। टीचर आपको इसके मतलब कुछ बताया कि होगा क्या, फॉर द स्टूडेंट लुक एट द पिक्चर केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको ये तस्वीरें दिखाई गई या तीन, आपको इसके मतलब सवाल पूछे जाएंगे। अब वो सवाल कौन से होंगे वो अभी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर वन, पिक्चर वन के अंदर क्या हो रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास ये मौजूद है, द बॉय इज वॉशिंग द हैंड। सेकेंड जो क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉय डूइंग इन द पिक्चर, तो यहाँ पे इसका आंसर ये है, द बॉय इज क्लोजिंग द टैब। थर्ड का है जी व्हाट शुड वी डू आफ्टर वॉशिंग ऑफ आवर हैंड, तो यहाँ पे है वी शुड क्लीन आवर हैंड। और जो लास्ट वाले का आंसर है वो ये लास्ट में दिया हुआ है। ये चार पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन और चार उनके आंसर आपके सामने मौजूद है। और इसका बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर कहा जा रहा है टीचर विल शो अ पैराग्राफ टू द रीड एंड राइट करेक्शन पंक्चुएशन विद इन 1 मिनट। आपको टीचर एक पैराग्राफ दिखाएगा, आपने उसे 1 मिनट के अंदर अंदर उसकी रीडिंग करनी होगी। अब वो जो पैराग्राफ है वो आपके सामने ये मौजूद है, ये कायदे आज़म वाला पैराग्राफ होगा जो टीचर आपके सामने रखेगा और आपने इसको 1 मिनट के अंदर अंदर रीड करना है। तो आप इसकी स्क्रीन शॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस करें। ये थे मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 इंग्लिश ग्रेड 6 का फर्स्ट टर्म का वर्जन नंबर 1। जल्द ही हम इसके बकायदा जो बाकी 9 वर्जन है वो भी अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।